नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हम इस वक्त हैं बारामूला के मेन चौक पर। और वही बारामूला जिसे मकबूल शेरवानी के बलिदान के लिए भी जाना जाता है, वही बारामूला जहां सेबों की भी बात की जाती है। हम जानते हैं बारामूला के मुद्दे हैं क्या। तो ये मार्केट है, भीड़ है मार्केट में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। चलिए कुछ शॉपकीपर से ही जान लेते हैं। जनाब, क्या नाम आपका? जी फारूक अहमद। जी क्या है? फारूक अहमद। फारूक है अहमद। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं आप मुझे कि ये जो आपका धंधा है कैसा चल रहा है, क्या है? थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हाँ मार्केट। अच्छा भाई जान, थोड़ा सा आप आगे आ जाए क्योंकि मैं फिर अंदर आऊंगी। तो दिक्कत क्या आ रही है, पहले जैसी बात क्यों नहीं आ रही है? मार्केट में पैसा कम है। मार्केट में पैसा कम है, ये इलेक्शन की वजह से भी हो रहा है क्या थोड़ा बहुत, या आप पहले से ही दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, पहले से। तो वजह मतलब कब से ये दिक्कत आप लोग फेस कर रहे हैं? आज तो हो गया 3-4-5 महीने। महीने की साल, क्योंकि ये कह रहे हैं 3-4 महीने, आप कह रहे हैं साल। तो जो पहले कितना काम था और अब हाँ, अब ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी वजह से तो चैलेंज नहीं आ रहा, जो ब्रांड्स हैं कोई नहीं है यहाँ पे, कोई जो भी हाँ। अच्छा, ये आप लोग शादी ब्याह का सामान और पूजा का सामान बेचते हैं? जी जी जी। ये तो अब ये सामान नहीं लोग खरीद रहे हैं? खरीदते हैं लेकिन कम, जितना हमको खर्च करना चाहिए ना। हाँ। करते हैं अब, क्योंकि अच्छा लोग ऐसा कम है। अच्छा, इसकी वजह से जब हमारे पास काम नहीं होता उनके पास भी काम नहीं होगा। अच्छा, मार्केट में पूरा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास भी पैसा नहीं है इसलिए ये जो सामान है अब कम खरीदा जा रहा है। तो शादी ब्याह से जुड़ा हुआ इनका सामान है। चलिए यहाँ पूछते हैं, केमिस्ट स्टोर है ये। जनाब क्या नाम है? शफकत। शफकत जी। शफकत भाई, आपका धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। आपका धंधा ऐसा है, इसमें तो कोई कमी कमी हो ही नहीं सकती, लोग बीमार होना तो बंद करते ही नहीं है। जब पैसा होगा नहीं तो बीमारी को क्या करेगा। अच्छा, पैसा तो होना चाहिए ना। हाँ सही बात है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए तभी तो ग्राहक आएगा ना। तो अभी आपकी दुकान ठीक चल रही है? ठीक चल रहा है। क्या है बारामूला के मेन मार्केट में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है, हमारे पास तो लाइटें नहीं रहती है। अच्छा, रोड डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हाँ हाँ, और क्या है? रोड डेवलपमेंट जब आप कहते हैं तो कहाँ, मतलब किस एरिया में रोड डेवलपमेंट से आपको चाहिए ना? लोग छोटे छोटे एरिया में जाइए आप, जहाँ पे जैसे कुछ बाग है, ओल्ड टाउन है, जी जी, मेन रोड्स है, वहाँ तो सही नहीं है ना, ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, ड्रेनेज जब बारिश हो जाएगी तो सारा पानी रोड पे आ जाता है। हम तो मेन चौक में यहाँ पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे बारिश गिरती है तो सारा पानी इस वाली ड्रेन का सारा रोड पे आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ये पहले सही था? नहीं, पहले से पीछे 30 सालों से तो जो टर्मिनल चल रहा था वहाँ से भी खराबी चल रही है, आजकल भी खराबी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मतलब पिछले 30 साल से ही खराब चल रहा है सर? चल रहा है ना, सारा कुछ तो चल रहा है। हम तो छोटे थे तब, हमें क्या ज्यादा पता है, पिछले 30 साल का हमको ज्यादा पता नहीं है। तो लेकिन आजकल का तो डेवलपमेंट उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, हो रही है, हम तो कह रहे हैं हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही है। रोड्स हाईवेज पे तो बन रहा है, क्योंकि तो प्रोजेक्ट होते हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें तो हो जाता है काम। लेकिन स्टेट के प्रोजेक्ट में तो कुछ ज्यादा काम नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे देखें, वहाँ पे लेबोरेटरीज का सिस्टम क्या है, वॉशरूम का क्या हाल है, बुरा हाल है। एक बार जाइए वहाँ पे देख लीजिए क्या हाल है। डेवलपमेंट तो आप ये कह रहे हैं जहाँ पे सेंटर इन्वॉल्व है वहाँ पे काम चल रहा है? जहाँ पे नहीं, हाईवेज की मैं बात कर रहा हूँ। हाईवेज के तो प्रोजेक्ट, वो तो अप्रूव प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें तो काम होगा ही, तो लोकल लेवल पे हो जाते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे तो रोड कनेक्टिविटी पहले भी नहीं, जम्मू में रोड कनेक्टिविटी इतनी खराब है ऐसा तो नहीं दिखता यहाँ पे कि पिछले 2-3 साल में ये सब खराब हुआ हो। नहीं, हम तो नहीं कह रहे ना पिछले 2-3 साल से ही खराब है, ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब ही है ना सारा, क्योंकि शुरुआत ही नहीं हुई है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं है ना, नहीं है ना। एग्जैक्टली, शुरू से ही जब प्रॉब्लम रही है तो ये दिक्कत रही है यहाँ पे। जनाब क्या है आपका, ये गिफ्ट देते हैं क्या, क्या क्या एग्जैक्टली काम क्या है? शादी ब्याह के सामान का? हाँ, शादी ब्याह का। क्या यहाँ पे मुद्दे क्या है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है क्या बारामूला में? आप लोग इतना गुस्सा है, नाराज है? ना, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बारामूला में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, हमें कुछ दिखता नहीं है यहाँ, कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ कुछ नहीं हुआ।
अब अगर देखा जाए अगर जगह थोड़ा सा डेवलपमेंट हुए रोड बाईपास बना हुआ कुछ बना हुआ तो, मगर मेन टाउन में कुछ नहीं हुआ। मेन टाउन जो क्वेश्चन थी 47 से वो आज भी यही क्वेश्चन है। तो मतलब किसी नेता ने कुछ नहीं किया यहां? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब्दुल्लाज ने भी नहीं, मुफ्तीज ने नहीं, कोई कुछ नहीं। खाली आते खाली वादे करते कमिट्स करते, मगर कुछ नहीं कुछ नहीं। आप खुद भी देख सकते हो, आप दहरे जहरम की पोषण देख सकते हो, वहाँ कितनी गंदी गलास वहाँ पे है, वहाँ पोषण देखते हो वही पानी। तो ऐसा क्यों है कि आप कहते हैं जो मेन यहाँ के रीजनल पॉलिटिशियंस पार्टीज जो रही उन्होंने भी कुछ नहीं किया, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो, क्यों क्यों नहीं कुछ किया? वो वही जाने, लेकिन फिर भी तो वो चुने जाते रहे ना। चुने जाते हैं मगर उसको बहुत सारे कॉज है, वो भी चुने जाते हैं। ज्यादातर लोग ये गांव के लोग उनके वोट डालते हैं, टाउन के लोग वोट नहीं डालते, टाउन के लोग वोट नहीं डालते। यही वजह का आप देखें, मैं जो पहले भी मैंने कहा आपको देहरा की तरफ जाइए आप, जब कितनी गंदी पानी वहाँ वही हम पीते हैं, जो भी गंदा गलाजत वहाँ पे डाला जाता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई वहाँ पे कोई इकदाम नहीं, वहाँ पे कोई इकदाम नहीं है, वहाँ वही हम लोगों को पानी पिलाया जाता है। सिक्योरिटी वाइज कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ कुछ इम्प्रूव हुआ, बहुत उसमें इम्प्रूव हुआ। हाँ लोग अमन से चलते हैं, अमन से फिरते हैं, अमन से घूमते हुआ, उसे फर्क हुआ, सिक्योरिटी से फर्क पड़ा। हड़तालें बंद हुई? हाँ हड़तालें बंद उससे हम खुश हैं। हड़तालें बंद हुई, पत्थरबाजी बंद हुई, वो बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा। तो धंधे की दिक्कत है, सिक्योरिटी वाइज बेटर? हाँ ना वही सिक्योरिटी वाइज बेटर है, हमारे हिसाब से वही बेटर है। अच्छा ठीक, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे धंधा जो है उसको अगर इतर रख दें तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सिचुएशन है उसमें इनको सुधार लगता है। जी जनाब, नाम क्या आपका? जी बताएं। फिरदौस अहमद जी, कैसा चल रहा है काम काज? खास नहीं, खास काम काज नहीं। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आपके सामने, चुनौती सबसे बड़ी? बेरोजगारी। अरे देखिए, कस्टमर आया, पहले आप कस्टमर की सुन लें, कस्टमर आया है, थोड़ा सा बेरोजगारी है ज्यादा। हाँ। जवान बच्चे पढ़े लिखे सब बेकार है। हाँ, कितना पढ़े हैं बच्चे? ग्रेजुएशन करके पढ़े, पीएचडी करके बच्चे यहाँ बैठे हैं। हाँ। सब बेकार है, कोई हिसाब ही नहीं है उनका। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बिजनेस खराब है सारा। अच्छा। लेकिन अब तो हड़तालें तो होती नहीं यहाँ पे, आप पत्थरबाजी भी नहीं होती, तो सिचुएशन वो तो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। हमें इस वक्त अपने बिजनेस में फोकस करना है, अपने बच्चों के ऊपर जो कि वहाँ से वापस आए हैं, उनको अब रोजगार मिलना चाहिए। जो बच्चे वहाँ से वापस आए हैं, आप लोगों को तो दुकानें ज्यादा खोलने के लिए सही हालात चाहिए। जी बिल्कुल, हालात तो इम्प्रूव हुआ है सिक्योरिटी वाइज। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास हालात बहुत अच्छे हैं। हाँ। फर्स्ट क्लास है। आप पहले कितनी देर दुकान खोलते थे और अब कितनी देर दुकान खोलते हैं? पहले तो वो कभी खुलती थी और कभी नहीं, कभी खुलती थी कभी नहीं, वो हालात के डिपेंड होता था। अब तो फर्स्ट क्लास हालात ठीक है, मगर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम काज कुछ नहीं है, बस यही मसला यही है रोजगार का। ये किसको सुन रहे हैं आप? राजीव गांधी को सुन रहा हूँ, ये राहुल गांधी को। ये तो राहुल गांधी तो नहीं, उनके हैं ना अभी। अच्छा बोलेंगे तो उनका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा नेता है इस वक्त। अच्छा, क्यों आपको लगता है? हर एक की बात सुनता है और अच्छी बात कर रहा है। जैसे कि हर रोजगार में, रोजगार के लिए बच्चों का रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उस बारे में सब बारे जो बात करते हैं बहुत अच्छी बात करता है। तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बेहतर है राहुल गांधी? हाँ उनसे बेहतर है, बेटर है, उनसे बेहतर है। जैसे ये बोल रहे हैं आप, अगर हुकूमत इनकी आए अगर करके दिखाए फिर उनसे बहुत बेटर है। अपोजिट इनकी तो अलायंस है एनसी के साथ में, मिलके जब काम करेंगे सेंटर में भी बन जाएंगे तो फिर तो। अच्छा, लेकिन ये तो अभी असेंबली का इलेक्शन, फिलहाल तो अभी असेंबली का ही है ना। बिल्कुल जनाब, आप क्या करते हैं? आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी आप कस्टमर हैं? यस। जी बताइए क्या हालत है यहाँ? यहाँ ठीक है,
अच्छा है, पहले से अब हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही, हालात सुधरा है? वो तो ठीक है हाँ, लेकिन यहाँ का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तब से यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। जी 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 जी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए लोगों को, डे टू डे इंक्रीज हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड जॉब्स नहीं हो रहा है, क्या कौन से यहाँ फॉरेन कंट्री या जम्मू देखें, हम दिल्ली में देखें, वहाँ तो प्रोवाइड जॉब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, यहाँ क्या है? ये पिछले 4-5 साल की प्रॉब्लम है या 77 साल की प्रॉब्लम? नहीं, ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी ना, वो तो हुआ नहीं। अब्दुल्लाज ने, मुफ्तीज ने, इन सब ने कुछ चेंज क्यों नहीं किया यहाँ? देखो, मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ रोड बनाने से तो नहीं होगा हमारा काम, रोड बनाने से तो रोजगार तो मिलता है कुछ लोगों को, कुछ बीकन में, हाँ बीकन में कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मैं नहीं कहती वो आइडियल रोजगार है, पर रोजगार सबको नहीं मिल रहा है ना सर, सबको तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी नहीं, आइडियल इकोनॉमीज में भी नहीं मिलता है, मैं उसकी सबकी बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जम्मू या दिल्ली में वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, कश्मीर में क्या है? ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑर्चर्ड्स, और क्या है? टूरिज्म है यहाँ पर, टूरिज्म है यहाँ पर, कहाँ अभी तो बढ़ रहा है, 1 साल से टूरिस्ट आ रहे हैं, पिछले 3 साल का डेटा तो रिकॉर्ड नंबर है, 2 साल से मैडम आई नो वेरी वेल अबाउट टूरिज्म, ओनली 2 इयर्स, 2 साल से, पहले तो नहीं थ्रेट था सब के अंदर, लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना, नहीं सुधरा ना उसके बाद, हाँ सुधरा हम नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों है? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं जब आती हूँ तो लोग सिर्फ नेगेटिव ही बोलना चाहते हैं, जो एक अच्छी चीज है, हम वेरी थैंकफुल टू गॉड, नहीं नहीं, लेकिन जो अच्छी आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सबका काम है, मैं आपसे जो कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुने, आपको जरूर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अगर अच्छा काम किया हो, यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, हम जाएं वहाँ काम मिलेगा हमें, जैसे दिल्ली में देखो वहाँ डे आपके घर में बुजुर्ग है, आपके घर में बुजुर्ग है जी, उनको पेंशन मिल रही है? जो बुजुर्गों को पेंशन दे रहा है सेंटर, वो पेंशन मिल रही है आपके घर को? कभी किसी को 500-600 रुपया मिला होगा तो इस तरह सर, 1000 रुपए की पेंशन है, अगर उन लोगों को मिल रही है तो वो तो अभी बंद ही नहीं है ना, अभी कोर्ट ऑफ, मैं तो 2014 में या 13 में अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मेरे को मिलता था 1000 रुपया, तब से तो मेरे को आज तक वो मिला ही नहीं ना, मैं भी एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हूँ, अब सडनली बाय गॉड ग्रेस तो मैं यहाँ मिल गया, आप आ रहे हैं, इनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं एक गिफ्ट खरीद रहा था, मैंने अच्छा, देखा गिफ्ट किसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं? ये हमारी शादी है घर में, उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो आप अपना मूड खराब मत कीजिए, नहीं 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 नहीं, 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 जो आप पूछे हम उसका आपको राइट आंसर दे दीजिए। जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि आपके घर में गोल्डन कार्ड है, नॉट ओनली हेल्थ के लिए, मैं गांव में गई तो किसान सम्मान निधि की भी बात की उन्होंने, उन्होंने कहा हमें मिलते हैं 6000 रुपया मिलता है हमें, तो वो तो मिला, वो तो मिला, हम ये नहीं कहेंगे मिला किसी किसी को, मिला हम ये नहीं कहेंगे नहीं मिला, लेकिन मैं ये ऑल ओवर, जैसे आप दिल्ली में देखो, जम्मू में देखो, बाहर जाके देखो, वहाँ तो सबको जॉब्स मिलते हैं ना, प्रोवाइड जॉब, यहाँ से डिग्री उसका कम, मेरे 4 साल डिग्री हो गए कंप्लीट, मेरे को कौन सा यहाँ प्राइवेट जॉब मिला सर? 100% जॉब्स ऑन द प्राइवेट स्कूल्स, 100% जॉब्स किसी सिटी में नहीं, किसी सिटी में नहीं है, एक सिचुएशन है, हाँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ, लेकिन जो चीजें मिली वो चीजें मैंने सुनी, जैसे मैं इलेक्शन में मेरे को अपना, मैं जीत गया, एमएलए बन गया, मैं अपनी कुर्सी भी मिल गया, बाकी जनता जहाँ जाती है जाए। अच्छा, तो नेताओं ने इंडिफरेंस दिखाई, ठीक है ठीक है जी। जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा, यू डोंट नो, चलिए ये बात नहीं करना चाहते, कुछ और लोग हैं यहाँ पे। जनाब क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? पंडित जी से आप बात करिए। ठीक है पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कश्मीरी लाल वोरा है। जी जी, क्या हुआ? क्या क्या? अरे भाई इधर करो ना तुम, जी कश्मीरी लाल वोरा जी, आगे मुद्दे क्या है ये बताइए। और मैंने एक चीज जो अभी तक लोगों में सुनी, उनमें गुस्सा बहुत है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठा है, क्या यहाँ पे कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ है? नहीं, अच्छा हुआ है, अच्छा क्यों नहीं हुआ है, तरक्की हुई है, बाकी सरकार का काम है अच्छा करना, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है। अब सरकार बोलती है जी डेवलपमेंट, ये सब मानते हैं डेवलपमेंट हुई है, बट सड़क बनाने या पुल बनाने से ही डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। बेरोजगारी का मुद्दा है, उसका कोई नाम नहीं लेता, महंगाई का मुद्दा है, उसका कोई नाम नहीं लेता, बेरोजगारी तो हद से ज्यादा है यहाँ पे, हद से ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि डर है, डर है, डर है, यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता है ओपनली, डर है, डंडा है सरकार का,
कोई भी बात करेगा उसको शाम को उठा के ले जाएंगे। अभी भी हमारे 20,000 जवान जेलों में हैं। चाहे बेशक किसी को सुधरने का मौका तो देना है ना। अगर किसी मैंने गलती की सपोज तो मेरे रिश्तेदार का क्या कसूर है? उसको तो पासपोर्ट मिलना चाहिए जी। उसको क्यों नहीं मिल रहा है? अगर बाप ने गलती की तो बेटा कसूरवार है, अगर बेटे ने गलती की तो उसका बेटा कसूरवार है। वो तो नहीं ना होना चाहिए ना, पार्शियलिटी तो नहीं होनी चाहिए। तो इस करके अगर अगर एक एक सा रखना है सबको, तो अगर जिसने गलती की है ठीक है, कसूर किया है उसको हैंग करो, उसको सजा दो। कसूर बेकसूर है अगर उसको हम सजा देंगे, बाप ने गलती की है, बेटे बेचारे का क्या कसूर है? उसको उसको आप वेरिफिकेशन क्यों नहीं करोगे? उसको पासपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा? उसको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? मैं ये कहता हूँ। बाकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट सरकार एहसान नहीं करती, हम टैक्स पेयर का पैसा है। आप तो एक बात बताएं सर मुझे, ये 2019 से ही जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, उससे पहले यहाँ जन्नत थी? नहीं, किसने कहा? हालात तो मैं कहता हूँ, हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, बच्चों के हाथ में पत्थर थे, फोर्सेस पर पथराव होता था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं मानता हूँ वो भी हालात थे, वो भी सब पॉलिटिक्स थी, सब सियासत थी जी, और कुछ नहीं था। हाँ, बाकी आज हम मानते हैं हालात ठीक हुए हैं, डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा आजादी से हम घूम रहे हैं, वही अप्रिशिएटेड। पहले मार्केट कितने बजे बंद होता था? नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात, आप जो भी मुझे कहलवाना चाहती हैं। नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाह रही सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड सर, मेरी बात सुनो, मैं कहलवाने नहीं आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। मैंने आपको पहले कहा ना कि हालात सुधरे हैं, हम मानते हैं हालात सुधरे हैं, लेकिन हालात सुधरने का ये मतलब नहीं है कि लोग डर के रहे। अभी भी डर है लोगों में, अभी भी कोई खुल के बात नहीं कर सकता है। और ये मेरी हिम्मत है, मैं एक हिंदू होते हुए यहाँ बारामूला चौक में खड़ा खुल के बात कर रहा हूँ। क्या पता शाम को मुझे भी उठा के ना ले जाए। ठीक है सर, वो आपकी राय है, लेकिन ये आपका कहना है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बीजेपी को, अगर बीजेपी की तारीफ करते हैं तो यहाँ पर उन्हें सोशल बॉयकॉट देखने को मिलता है, ऐसा भी है। तो ये तो सिक्के के एक सिक्के का पहलू आप रख रहे हैं, दूसरे जो काउंटर क्वेश्चंस हैं उन लोगों से जुड़े हुए मैं भी रख रही हूँ। मानता हूँ आपकी बात, बीजेपी सरकार जो भी होगी, सरकार हमेशा चाहती है कि मेरे देश में शांति रहे, अमन रहे जी, बिल्कुल, और ये हर किसी को जानना चाहिए, डेवलपमेंट हो, सरकार चाहती है जी। लेकिन अब सियासत जहाँ पे आ जाती है ना, पॉलिटिक्स आ जाती है, हर कोई अपना फायदा देखता है, कोई भी चाहे सियासतदान हो, मेन सियासतदान हमारा भारत वर्ष आज तक सियासत का ही शिकार हुआ है। तो ठीक है, सरकार आई, सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे अमन हुआ है, मैं एग्री हूँ उसके साथ, मैं मानता हूँ उस बात। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि अगर महंगाई हो, अगर बेरोजगारी हो, अगर बिजली की समस्या हो, तो उन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे बड़ा मसला। नमस्कार।